कैसे हो पेपर? बहुत बढ़िया। पहला अटेम्प्ट है सीजीएल का? जी। अच्छा, चारों सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? मेरे लिए तो जीके ही था, बिकॉज मैं जीके पढ़ नहीं पाई थी अच्छे से। उस लेवल का तैयारी नहीं था जीके जीएस का। अच्छा, बाकी मैथमेटिक्स का कैसा लेवल था? मैथमेटिक्स इजी था। साइंस का? साइंस भी इजी था, क्योंकि जीके में ही साइंस आता है, तो ज़्यादा तो साइंस से रिलेटेड नहीं था। ऑल ओवर देखा जाए पेपर का, तो पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था, टफ था? ओके था, ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। अगर कोई पढ़ा है तो इजीली निकाल लेगा। कैसे हो पेपर? बहुत बढ़िया गया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है सीजीएल? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, चारों सेक्शन में क्या टफ लग रहा है? टफ थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मैथ्स कैलकुलेटिव थे? कैसे था? कैलकुलेटिव थे। अच्छा, बताइए तैयारी आपने कहाँ से किया है? मैंने अपने घर से ही तैयारी की। मतलब सेल्फ स्टडी है? अच्छा, ऑनलाइन रिसोर्स भी यूज़ किया था? जी हाँ। कहाँ से? यूट्यूब वगैरह से लिया? टेलीग्राम से? कैरियर व्हील। कैरियर व्हील में? अच्छा, कौन से टीचर से? मैथ्स वगैरह? मैथ्स राकेश यादव, इंग्लिश गोपाल वर्मा सर। तो मैथ्स में क्या कुछ हेल्प मिला? ऐसा लगा कि उन उस सर का आ रहा है? मतलब वो जो सर टेक्निक बनाते हैं मैथ सॉल्विंग का, वो सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, अच्छा रहता है, मतलब ऐसा लगा कि आया है, मतलब उसमें से मतलब लगा दिए हैं। अच्छा, बताइए कि और साइंस वगैरह का? जी, साइंस का? साइंस का थोड़ा बहुत, मतलब मैंने ही थोड़ा उसको नहीं उस पर फोकस किया था, तो इसलिए थोड़ा, वैसे सब नॉर्मल क्वेश्चन था, टेंथ लेवल पे था। टेंथ लेवल का था। और इंग्लिश का कैसा पेपर था? इंग्लिश का सुन रहे हैं कि इजी आ रहा है। इंग्लिश बहुत इजी था, बहुत इजी था। अच्छा, रीजनिंग में बता दीजिए, रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन? रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा कुछ दो तीन अलग जो वो सिक्वेंसिंग सिक्वेंस वाले थे उनमें वो थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 86 किया। 86 अटेम्प्ट किया। पहला अटेम्प्ट था ये आपका सीजीएल का? पहला अटेम्प्ट था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसा हुआ पेपर? क्या पेपर सही ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? नहीं, फर्स्ट, हाँ सीजीएल तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी सीएचएसएल दिए थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट 84 अटेम्प्ट किए थे। 84। अच्छा, बताइए कि चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा टफ आपको क्या लगा? टफ तो नहीं था, सब मॉडरेट ही था। मतलब मैथ में क्वेश्चन सब सही था, डीआई थोड़ा सा कैलकुलेट, डीआई में ही अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो डीआई में ही, क्योंकि डीआई का तीन चार क्वेश्चन शायद था, डीआई का तीन चार क्वेश्चन ऐसे। और रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन आ रहा है? रीजनिंग सही था। आप वन रो में मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, 24 क्वेश्चन, एक था थोड़ा ना कैलकुलेटिव था, बाद में सही था रीजनिंग का। और जी और इंग्लिश का कैसा आ रहा है? आइडियम फ्रेज वगैरह सब मतलब ऐसे सही है, ब्लैक बुक का ही था मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन उसका पैसेज तो था ना, पैसेज वो थोड़ा सा सही था। एंटोनिम साइनोनिम वगैरह इस टाइप का ना, वो सही था। मतलब कैसा था पेपर? था इंग्लिश का इजी था? कैसा था पेपर? आप मॉडरेट बोल सकते हो, सही था। जब देखिए तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं? तैयारी सब ऑनलाइन ही कर रहे होते थे। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं? यूट्यूब वगैरह? हाँ, यूट्यूब से ही तैयारी कर रहे हैं। किन किन सब सब्जेक्ट, किन किन टीचर्स का पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से तैयारी कर रहे हैं कुछ बताइए। जैसे कि मैथ्स का कहाँ से कर रहे हैं, इंग्लिश का कहाँ से कर रहे हैं, साइंस का कहाँ से कर रहे हैं? देखिए जीएस तो मैंने परमार सर से पढ़ा है, मैथ अभिनय शर्मा सर से, गगन प्रताप सर, सारे टीचर से मैं पढ़ा हूँ। किसी टीचर को मैं नहीं बोल सकता, किसी एक पर्सनली टीचर से पढ़ा।